सनराइज और सनसेट किसको नहीं पसंद। तो सनराइज तो हम देख नहीं सकते क्योंकि इसके लिए सुबह जल्दी उठना होता है, तो हम जा रहे हैं सनसेट देखने। सो या है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो सनसेट देखना तो मुश्किल है आज, क्योंकि अभी एक घंटे पहले जस्ट बारिश हो रखी है और जैसा कि आप देख सकते हैं काले बादल लग चुके हैं, तो सनसेट देखने को तो नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो हम आए थे ब्राइटन कॉर्नर सनसेट व्यू देखने के लिए, बट जैसा कि आप देख सकते हो पूरे काले बादल लगे हैं, सो सनसेट तो हम नहीं देख सकते। लेकिन ये वेदर भी एकदम प्यारा के तो सही है ना, ये वाला वेदर भी बहुत अच्छा है। हमें इस रेस्टोरेंट में बैठना था, बट अभी हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये वाला रेस्टोरेंट तो बंद है। हमने सोचा था इसी रेस्टोरेंट में बैठ के सामने सनसेट का नज़ारा लेंगे, बट सनसेट भी नहीं हो रहा और रेस्टोरेंट भी बंद है। या कहीं और भी जा सकते हैं, हम मेन मार्केट साइड को ही। स्कूटी पार्किंग का हो जाए। हाँ यार, अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा पार्किंग इशू है। तो अभी हम बैठ चुके हैं रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं पता, बट यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है और ये कैफ़े और ये रेस्टोरेंट भी रोड साइड ही है। मुझे लग रहा है यहाँ से सनसेट हमें दिख सकता है, क्योंकि बादल जो है वो ऊपर है और नीचे एकदम क्लियर हो गया। देखो येलो येलो लाइट भी दिख रही है ना, तो हमें सनसेट दिख सकता है। अगर दिखेगा तो हम वापस जाएंगे। सो मुझे टाइम लैप्स लेना था, बट वो तो अब नहीं हो पाएगा। अगर सनसेट का 5 सेकेंड की वीडियो भी बन जाएगी तो मतलब काफ़ी है। तो गाइस सनसेट होने लग गया है और हम जल्दी जल्दी खा के फटफट निकलते हैं यहाँ से। हो जाए नहीं होगा यार, जल्दी जल्दी खाएंगे। सनसेट देख लिया है, मतलब मुझे टाइम लैप्स लेना था लेकिन वो तो नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा बहुत तो देख लिया है। एंड ऑल्सो कल मे बी हम जाएंगे कसार देवी, तो ये व्लॉग कल कंटिन्यू करते हैं। सो बाय। डे 2। सो वी रीच्ड कसार देवी। जोजो की किस्मत बहुत अच्छी है, जब आइए तो पूरा मौसम साफ है और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिखता है। जोजो तूने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा था? हाँ। बताओ ऊपर कौन से मंदिर है? शिव मंदिर है। और किसका? मेहरा। यस। मेडिटेशन भी करेगी? एक घंटा बैठना था जी। हाँ देखते हैं मेडिटेशन हो पाया तो। एक लोकेशन ये है मेडिटेट करने के लिए और दूसरी वहाँ पत्थर में, आपकी चॉइस, आपको जहाँ बैठना हो मन की शांति के लिए। मैंने इस मंदिर के बारे में सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। अगर आपने मेरा कसार देवी वाला फुल इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो देख लो। जो जो यहाँ दूसरी बार आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पिछली बार तो मौसम खराब हो गया था, बारिश हुई थी और पिछली बार हम ज़्यादा रुके भी नहीं थे, बहुत कम रुके थे ना, 5 मिनट बस। हमें दूसरी जगह पे जाना, ध्यान पे बैठेंगे कहाँ, हम मंदिर आते हैं तभी ध्यान पे बैठते हैं। अभी जोजोर में जा रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं वहाँ पे बैठी थी और अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। सो अभी हम जिस टाइम पर आ रखे हैं ना, मतलब बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और मौसम एकदम सही हो गया, मतलब बारिश के बाद कैसे पूरा कोहरा हट जाता है, पूरा मौसम साफ हो जाता है और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिख रहा है, मतलब कितना प्यारा नज़ारा है। चले आजा जो जो। हाँ जी। कैसा लगा तुझे कसार देवी? बढ़िया।
नहीं मतलब ऐसा नहीं नहीं वैसे पूछ रही हूँ जेन्युइनली, जैसे कि ऐसे लगा कि शांति है इधर और शांति मेडिटेशन करने के लिए सही है ना। तो जोजो जा रही है आज घर को अपने हल्द्वानी, और जोजो को बहुत बुरा लग रहा है। जोजो बुरा लग रहा है, बोल बोल बुरा लग रहा है। शी इज वेरी सैड और घर में रोई भी थी, अभी भी आंसू छुपा रही है अपने। सो जोजो तो पहुंच भी गई हल्द्वानी और ये अगला दिन है, मैं घर आके सो गई थी। और ये ब्लॉग बहुत ज्यादा छोटा बना है, बट फिर भी अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।